हेलो गाइस, रशियन बास्केटबॉल लीग का आज का मैच बास्केट जियोलोना गोड़ा वर्सेस कजान के बीच में होने वाला है। तो चलिए इस मैच का न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कंफर्म लाइनअप्स और फाइनल टीम्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा। जो भी मैचेस मैं खेलता हूँ मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ज्वाइन कैसे करना है? सिंपल तरीका है, जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिले जाएगा। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइबर जरूर से चेक करते हुए ज्वाइन करना। 25,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है, अब भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ। तो फिर से एक बार आपको नोटिफाई कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करना है? इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम और जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की। तो जियोलोन गोड़ा की बात करूँ तो क्रिस्टोफर रिचर्ड लास्ट मैच में सबसे ज़्यादा टाइम खेले थे, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी स्कोर किए थे। 30 मिनट प्ले करते हुए 11.3 रिबाउंड 2 असिस्ट किए थे। उसके बाद जेनिस ब्रिजिंस ने 20 मिनट प्ले करते हुए डबल डबल किए थे, मतलब 10.10 रिबाउंड किए थे और एक असिस्ट भी लिए थे। उसके बाद रोनाल्ड फ्रीमिंस ने 28 मिनट प्ले किया था, 9.8 रिबाउंड कलेक्ट किए थे। उसके बाद स्काइलर बोलिन ने 18 मिनट प्ले करते हुए 8.5 रिबाउंड 2 असिस्ट एक स्टील किए थे। डेविड ब्रामली ने 30 मिनट प्ले किया था, 7.1 स्टील 1 असिस्ट 3 रिबाउंड। उसके बाद एडम स्मिथ ने 18 मिनट प्ले किया था, 6 पॉइंट उसके बाद 1 स्टील 2 असिस्ट और 1 रिबाउंड। उसके बाद फिलिप पुट ने 6 मिनट प्ले करते हुए 5 पॉइंट और कुछ किया नहीं था। यहाँ पे गोफे ग्रोसले ने 29 मिनट प्ले किया था, 4.1 ब्लॉक 1 स्टील 2 असिस्ट 3 रिबाउंड। उसके बाद सुलेमा 4 मिनट खेला था, कुछ किया नहीं था। और कोजिराक ने 16 मिनट खेला था, 2 असिस्ट 1 रिबाउंड किए थे। सो सबसे ज़्यादा पॉइंट कम स्कोर होते इसी लीग में, तो इसी लीग में आपको हमेशा बड़े प्लेयर भी कम स्कोर करते हुए दिखेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सो इस टीम से टॉप प्लेयर्स की बात करूँ, मतलब टॉप पिक्स की बात करूँ, तो ऑब्वियसली क्रिस्टोफर रिचर्ड्स, ब्रेंजिंस, यहाँ पे फ्रीमेंस, यहाँ पे ब्रामली, और यहाँ पे देखो एडम स्मिथ अच्छे हैं लेकिन रिसेंट फॉर्म थोड़ा ख़राब चल रही है। तो ये जो चार प्लेयर्स है ये चार प्लेयर्स को मैं सजेस्ट करूँगा। और ग्रोसले क्रेडिट बहुत हाई है लेकिन परफॉर्मेंस अभी ख़राब रहा, तो इस प्लेयर्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा टॉप पिक में। तो इनमें से ज़्यादा प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करना। सो बात कर लेते हैं कजान टीम की। तो कजान टीम की तरफ से लास्ट मैच में ओकेरो व्हाइट ने 22 मिनट प्ले करते हुए सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए थे, 23.1 स्टील 2 असिस्ट 5 रिबाउंड। उसके बाद यासा कनान ने कल के मैच में प्ले किए थे, 25 मिनट प्ले किए थे, 11.1 स्टील 4 असिस्ट 6 रिबाउंड, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस मतलब लीग का, ठीक है, इसिया कनान। उसके बाद जॉन हॉलैंड ने भी लास्ट मैच में प्ले किया था, 19 मिनट मिला था इनको, 10.2 स्टील 5 असिस्ट 2 रिबाउंड भी किए थे। डिमिट्री उजेनिस्की 21 मिनट प्ले करते हुए 8.2 रिबाउंड कलेक्ट किए थे। एंटीपॉप 16 मिनट प्ले किया था, 7.1 रिबाउंड। उसके बाद जॉन ब्रॉन 16 मिनट प्ले करते हुए 6.5 रिबाउंड 5 स्टील 1 असिस्ट, और जॉन ब्रॉन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस लीग का, ठीक है, स्टीलिंग के मामले में बहुत ही अच्छे हैं और हर एक मैच में आपको स्टील करते हुए दिख जाएगा जॉन ब्राउन। उसके बाद आर्तेम किलमिकंको यहाँ पे 18 मिनट प्ले करते हुए 6.1 ब्लॉक 1 स्टील 7 रिबाउंड कलेक्ट किए थे। उसके बाद सेरगोप ने 9 मिनट प्ले किया था, 2 असिस्ट। उसके बाद नेट उल्फर्स ने यहाँ पे 15 मिनट प्ले किए थे, 4.3 स्टील और 4 असिस्ट कलेक्ट किए थे। उसके बाद जॉर्ज जैबनोप ने 13 मिनट प्ले करते हुए 4.2 रिबाउंड। उसके जैमर स्मिथ ने 19 मिनट प्ले करते हुए 2.1 स्टील 5 असिस्ट किए थे। और अलेक्जेंडर रोजुनोमोप को थोड़ा बहुत मौका मिला था 5 मिनट खेलने का, 2 ही पॉइंट कलेक्ट कर पाए थे। सो इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ, ऑब्वियसली ओकेरो व्हाइट और इसिया केनान, उसके साथ साथ जॉन हॉलैंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है लेकिन इनका टाइम बहुत कम मिलते हैं, इस वजह से उतना खास प्लेयर नहीं बनेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जॉन ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार प्लेयर है मस्ट हैव पिक है, बहुत अच्छा करते हुए आपको दिख सकते हैं, तो ये चार प्लेयर्स मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरा टीम कॉम्बिनेशन।
स्टार्ट करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से। सबसे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर से कर लेना, लाइक से मोटिवेशन मिलते हैं। और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन प्रेस करके रखो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा प्लेयर्स के बारे में वीडियोज़ के तौर पर, और पास वाला बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने आ जाएगा, तो आप देख पाओगे तब, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको टीम दिखाऊंगा ये टीम फाइनल नहीं है। आफ्टर लाइनअप जो भी चेंजेस होगा, जो भी अपडेट आएगा, जो भी मेरा फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो की पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइनअप जो भी अपडेट आएगा, जो भी मेरा फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। पॉइंट गार्ड से तरफ से मैं कनान को पिक किया हूँ, थेडोट्टे लास्ट मैच में नहीं खेला था, कुजारा को ऑप्शन है, आप जा सकते हो। शूटिंग गार्ड की बात करूँ तो जे स्मिथ अच्छे प्लेयर है लेकिन केडिड नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ पे इस बाउलिन को मैं पिक किया हूँ। यहाँ पे जे स्मिथ अच्छे प्लेयर है लेकिन केडिड के इशूज है। स्मॉल फॉर्ड में मैं के रिचर्ड्स और हॉलैंड को पिक किया हूँ। हॉलैंड देखो मुझे बहुत पसंद है लेकिन इनको टाइम थोड़ा कम मिलते हैं, तो इनके प्लेस पे रिप्लेस कर सकते हो किसी और प्लेयर के साथ, लेकिन जे हॉलैंड को अभी मैं लेके चल रहा हूँ। पॉइंट फॉर्ड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे फ्रीमिन्स और ओ व्हाइट को पिक किया हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर है। और आप अगर हॉलैंड को रिमूव कर रहे हो तो हॉलैंड के प्लेस पे आप ब्रेजेंस को ले सकते हो, ब्रेजेंस भी अच्छे प्लेयर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रोसले का ऑप्शन है लेकिन केडिट नहीं है मेरे पास, तो मैं पिक किया हूँ यहाँ पे जे ब्राउन को और ब्रामली को। केडिट की सबसे ब्रामली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मैं इनको अभी पिक किया हूँ। इनके प्लेस भी पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो, मेरे पास थोड़ा केडिट की कमी थी नहीं तो मैं ब्रेजेंस को ही लेता। तो जहाँ पर क्रेडिट का मतलब थोड़ा इश्यूज कम है जैसे माई फेवलेन विजन 11, वहाँ पे आप यहाँ पे ब्रामली के प्लेस पे जे बर्निस को पिक कर लेना, ठीक है। सो अब बात करूँ, ये मेरा टीम है अभी। एसपीपीपी की बात करूँ मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सभी बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट चॉइस अभी रिसेंटली मैचेस में वो व्हाइट परफॉर्मेंस रहा है, तो वो व्हाइट मेरा अभी एसपी है। और पीपी की बात करूँ तो पीपी मैं अभी जा रहा हूँ जे ब्राउन के साथ। जे ब्राउन स्टीलिंग बहुत अच्छा करते हैं, खास पॉइंटर नहीं मारते लेकिन स्टीलिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरा पीपी मतलब वाइस कैप्टन अभी जे ब्राउन है। अगर कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है सबसे, तो कैनन के साथ भी जा सकते हो। कैनन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है लेकिन अभी मतलब थोड़ा इंजरी से वापसी कर रहे हैं, तो इनके उसके वजह से थोड़ा कमी सिलेक्शन इनका होने वाले, तो अगर रिक्स लेना है तो पीपी कैनन को भी दे सकते हो, मतलब वाइस कैप्टनसी कैनन को भी दे सकते हो। सो ये मेरा अभी तक का टीम है, कैप्टन व्हाइट, वाइस कैप्टन ब्राउन। और इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी अपडेट आते हैं, आपको आफ्टर लाइन ऑफ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ, उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइन ऑफ फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।